पहले आर्मी चीफ आए, उन्होंने मुलाकात की और अब SIFC, आप समझते हैं यहाँ से मईशत का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है वो SIFC के तहत एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और जो है वो IT को उन्होंने जो है वो उसको चूज किया है। और उसमें जाहिर है जो हमारे मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स हैं उनको जो है वो हमेशा फूड सिक्योरिटी का जो है वो उन इंटरेस्ट रहता है, तो पाकिस्तान में जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर सकते हैं। आरिफ अबीर साहब, ये बताइएगा कि ये क्या पॉलिटिकली इंसुलेट कर दिया जाएगा इस पूरे मामले को, यानी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी एक पॉलिटिकल इंसुलेशन में आएगी कि कल को कोई हुकूमत बदले ना बदले तो भी ये चलता रहे मामला, तो आपके ख्याल में ये माहौल पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करना मुमकिन होगा? मुमकिन है अगर ये इसकी ओनरशिप जो है वो आर्मी ले लेती है तो उसमें डेफिनेटली जो है वो पॉसिबल है। और आई थिंक उन्होंने कहा कि वो ये कहते थे कि हमारे जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं बशमूल चाइना के, वो ये कहते हैं कि हम आपके जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो हमें आप ये गारंटी कीजिए कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह डील कर रहे होंगे उसमें आप गारंटोर हों और उसका ऐसे कानून होंगे कि हमें आपकी ज्यादा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के रिगमरोल में ना पड़ना पड़े। तो वो और उसको चूंकि हम भी, हमारा भी तजर्बा है, हम भी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को डील करते हैं, वो भी खासतौर पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमसे कहते हैं कि जो भी बिजनेस प्रपोजल हो या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसमें जो है वो आर्मी का बाइंग जो है वो उसको समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल सिचुएशन से भी गुजर रहा है, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इलेक्शन होगा नहीं होगा और होगा तो कौन जीतेगा, फिर बहुत सारी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी नज़र आती है, तो क्या इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के होते हुए या इस बेयकीनी के होते हुए आपको लगता है कि जितने प्लान्स हैं ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे और इनके फवायद भी मिलेंगे? आई थिंक बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है और केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये फुल्ली एम्पावर्ड है और ये बहुत सारे फैसले कर सकते हैं और उनके होते हुए मैं समझता हूँ और साथ में ये आर्मी की इंस्टीट्यूशंस का जो है वो सपोर्ट होते हुए ये पॉसिबल है कि ये कर सकें, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स को जो है वो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का ही एक इशू दरपेश है, उसको बाईपास करने के लिए ये SIFC का फोरम है और SIFC के फोरम से उन्होंने कहा कि ये वन विंडो हम न सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स बल्कि हम लोकल इन्वेस्टर्स को भी जो है इसको फैसिलिटेट करेंगे। तो आज की भी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने यही बताया कि भाई हम इस तरह फैसिलिटेट करेंगे और अगर किसी के कोई भी मैटर्स हो तो दे कैन कम टू अस, हम उनके रिजोल्यूशन के लिए जो है देन एंड देयर फैसले करेंगे। आरिफ अबीब साहब, जो मौजूदा मौशी सूरत हाल है उसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी बड़ी परेशान है, आर्मी चीफ से मुलाकात में कंसर्न्स रखे गए और हल के हवाले से क्या चीजें बताई गई? आई थिंक सबसे ज्यादा इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रुपए का जो फ्री फॉल है उसको रोकना है और डॉलर के सामने जो रुपए की कीमत और कदर मुसलसल गिर रही है उसकी वजह से ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आम लोगों के लिए भी मसाइल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर और ये इंटरेस्ट रेट भी जो है वो फिर हायर साइड पे रहते हैं और उससे फिर बिजनेसिस को गवर्नमेंट को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रुपए की कदर में बेहतरी लाई जाए और उसके लिए उन्होंने इकदाम की बात की कि वो स्मगलिंग को रोकेंगे, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो अब्यूजेज हैं उसको रोकेंगे, जो ईरान के साथ जो है बॉर्डर ट्रेड हो रहा है उसके जो नुकसान आते हैं उसको वो रोकेंगे और फिर उसके अलावा जो ग्रे मार्केट या इनफॉर्मल मार्केट है डॉलर्स की उसके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे ताकि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस और वो एक छोटा सा परसेंटेज जो है
उसने होस्टेज बनाया हुआ है इंटरबैंक मार्केट को, उसकी उसके लिए जो है वो ऐसे इकदाम करेंगे कि उसके नुकसान से जो है बचा जा सके। आरिफ साहब, एक हमने देखा है बिलखसूस पिछले 20 सालों में कि चीफ्स हमारे जितने भी यके बाद दिख रहे हैं आर्मी के, उनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में। स्टार्ट फ्रॉम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मुझे याद है वो भी इस तरह की मीटिंग किया करते थे, उनके बाद अशफाक परवेज़ कियानी साहब कम किया करते थे, लेकिन फिर बाद में फिर जनरल बाजवा साहब बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो आपको क्या लगता है कि जो अब जनरल आसिम मुनीर ये जो कर रहे हैं, इस तरह बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये पिछला ही तसलसल लगता है, या आपको लगता है कि अब ज़्यादा एग्रेशन आ गया है, ज़्यादा वाज़े प्लान है हमारी आर्मी के पास इकोनॉमिक रिवाइवल का? लेकिन मुझे ज़्यादा एग्रेशन नज़र आया और बड़े जो है वो चीफ सब जो है वो बड़े डिटरमेंट लगे, और उन्होंने कहा कि भाई नो वे, हम ये जो सिचुएशन है और ये जो गंद है इसको हम साफ करेंगे, और ताकि ये कि पाकिस्तान भी जो है तो वो अपनी सही मकाम हासिल कर सके जो है दुनिया में के लिए। उन्होंने उसकी उसके बाद उसके लिए जो भी उन्होंने कहा हम इकदाम करने पड़ेंगे वो हम इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी देखिए कि जो कैबिनेट भी है, जो केटेकर गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट है, उसमें सब मेरिट के लोग हैं, और वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो जो है जो भी नेसेसरी डिसीशन है वो करेंगे, और उसमें हमारी उनको सपोर्ट होगी। तो मुझे लग रहा है कि, और हमने देखा था कि इवन मुशरफ के जमाने में भी, मुशरफ जब ये है कि डिटरमिन किया और ये कर रहे थे तो उसके अच्छे नतीजे आ रहे थे, लेकिन जब उनको पॉलिटिक्स का शौक हो गया तो फिर जो है वो डिक्लाइन शुरू हो गया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।